सवाल नंबर एक, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वल्कनीकरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी संलेपन या ऑप्शन डी अवसादन। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए वल्कनीकरण। सवाल नंबर दो, प्याज और लहसुन में किसकी उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन डी पोटेशियम। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी सल्फर। सवाल नंबर तीन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी टोकोफेरोल या ऑप्शन डी रेटिनोल। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी टोकोफेरोल। सवाल नंबर चार, दलदली भूमि से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए मीथेन। सवाल नंबर पांच, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रामानुजन या ऑप्शन डी पाइथागोरस। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट। सवाल नंबर छह, इनमें से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए बी कोयला, ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस या ऑप्शन डी लिग्नाइट। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट। सवाल नंबर सात, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी तारापुर या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। सवाल नंबर आठ, किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी टाइफाइड या ऑप्शन डी एड्स। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी एड्स। सवाल नंबर नौ,
मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत क्या होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 85%। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी 70%। सवाल नंबर 10। इनमें से कौन सा तत्व कुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हीरा। सवाल नंबर 11। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्नी बनाई जाती है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 12। पेट्रोलियम में इनमें से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन या ऑप्शन डी प्रोपेन। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन सी ब्यूटेन। सवाल नंबर 13। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 87%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 21% या ऑप्शन डी 0.78%। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन बी 78%। सवाल नंबर 14। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए शहतूत के पत्ते, ऑप्शन बी अनार के पत्ते, ऑप्शन सी अंगूर के पत्ते या ऑप्शन डी आम के पत्ते। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन ए शहतूत के पत्ते। सवाल नंबर 15। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी साबुन, ऑप्शन सी गोबर या ऑप्शन डी कांच। जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका उत्तर ऑप्शन डी कांच।